अब एक चीज मैं आपको बहुत गजब की चीज बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। आप अगर ब्रह्मचर्य ये सोचकर करना चाहते हो मेरे दोस्त कि सच में आपको बहुत कुछ बदल देना है शरीर के अंदर, बहुत कुछ निखार लाना है, तो सिर्फ ये सोचकर ब्रह्मचर्य मत करना। ब्रह्मचर्य करने के कई सारे कारण आपको खुद जानने होंगे जिसकी वजह से आपको ब्रह्मचर्य करना होगा। अगर जैसे आपने ये सोचकर डिसीजन लिया कि अब मैं ब्रह्मचर्य करूंगा ताकि मेरे चेहरे पे स्किन पे चमक आए, खाया पिया पचना शुरू हो जाए, और आपने 20-30 दिन कंप्लीट भी कर लिया ब्रह्मचर्य और आपकी स्किन पे वो साइन नहीं आ रहा है, आपका खाया पिया फिर भी नहीं पच रहा है, तो छूट गया ना आपका ब्रह्मचर्य, कहाँ कर पाओगे? क्योंकि जिस टारगेट को लेकर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करने की सोच रहे हो वो टारगेट आप हिट कहाँ कर पा रहे हो, तो आपका मन वहीं विचलित हो जाएगा कि यार मैंने क्या सोचा था, 30 दिन हो गया ब्रह्मचर्य करते हुए, कोई बेनिफिट है नहीं, चेहरा वैसे कैसा सूखा है, पाचन तंत्र वैसे कैसा खराब है, मैं कैसे क्या करके ब्रह्मचर्य नियम को फॉलो करूँ, कुछ बेनिफिट है नहीं है, बेकार है एकदम यार, नहीं फंसना इन सब चीज़ों में, अच्छे से सिर्फ जो करते थे मैस्टरबेशन वगैरह वही करेंगे, वही ठीक था, ऐसा कुछ आपके माइंड में फीलिंग्स आएगा। लेकिन मेरे पास ध्यान सुनना, ये जो व्यक्ति आपके सामने आज खड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, मैंने भी ब्रह्मचर्य को लेकर यही सारे फीलिंग लाए थे अपने माइंड में, लेकिन जब 60 से 90 डेज हुआ, 120 डेज हुआ, इतने ज़बरदस्त फायदे दुगना तीना चार गुना पाँच गुना से ज़्यादा बढ़ने लगे, उस मिलने शुरू हो जाएंगे, तब मुझे लगा कि दोस्त सच में अगर मैं उबाल खा गया होता, बहुत जल्दी से रास्ता छोड़ के भाग गया होता, तो आज ये व्यक्ति जो आपको मोटिवेट कर रहा है शायद मैं भी मोटिवेट आपको नहीं कर पाता। देखो दोस्त, ब्रह्मचर्य करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जरूरी वो है मोटिवेशन। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है यही कह के, दिनेश भाई कोई लॉजिकल बात बताओ, कोई लॉजिक होनी चाहिए बातों में। लॉजिकल बात सबसे बड़ी यही है दोस्त, मोटिवेशन। क्योंकि मेरी बातों को सुनने के बाद आप जब ये माइंड में लाओगे ना दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जुनून आएगा, मोटिवेशन आएगा, और आप ये सोच पाओगे नहीं तोड़ना यार, करते रहो, क्या नुकसान है, कहाँ पैसा जाए। थोड़ा सा वक्त आपको अपने शरीर के लिए देना होगा, किसी के लिए नहीं, आपको अपना ही वक्त अपने शरीर के लिए देना होगा, बस यही लॉजिक है, और यही लॉजिक आप समझना मेरे दोस्त। और जिस दिन इस लॉजिक को समझ गए, सच में बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य नाश जीवन में नहीं करोगे, और जीवन में नहीं ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो एक पल ऐसा आएगा जब सच में आप मुझे याद करोगे अकेला बैठ कर कभी, कि दिनेश भाई की बातों को मान करके आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। ये जो दिमाग आप हमेशा सर पकड़ के रोना रोते हो ना मेरे दोस्त, ये सब कुछ चीज़ों में बदलाव देखेगा, आपके पाचन तंत्र पे, आपके फेस में, आपकी स्टाइल में, आपके एटीट्यूड में, सब कुछ। और जो सिर्फ ये सोच कर ब्रह्मचर्य करो, बस मुझे 2 साल ब्रह्मचर्य करना, उसके बाद लड़कियों का लाइन लगा देना, आगे पीछे ये करना है वो करना है, ये सब चीज़ें, ब्रह्मचर्य में लड़कियों का नाम तक नहीं आना चाहिए जब तक आपकी शादी नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सच में वैवाहिक जिंदगी अच्छे से गुजारनी है दोस्त, तो आपको ब्रह्मचर्य जैसे नियम को फॉलो करना होगा, चाहे अभी आपकी शादी में 2 साल बाकी हो, 3 साल बाकी हो, 4 साल बाकी हो। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य नियम को 2-3 साल जब तक शादी नहीं होती फॉलो कर लेता है, तो मुझे अपने जीवन में नहीं भूल पाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ मेरे दोस्त। तो कभी इस बात को अवॉइड मत करना, सिर्फ केला दूध खाने से और अच्छी अच्छी डाइट लेने से ही सब कुछ संभव नहीं होगा, उसके लिए कुछ शरीर को क्या करना, खपाना होगा, ये चीज़ आप समझो, शरीर से थोड़ा मेहनत करवाना होगा, ये मेडिटेशन, योग, आसन, रनिंग, वर्कआउट, ऐसे कुछ चीज़ों को करना होगा, सिर्फ सांड की तरह खा खा करके सोना नहीं है बिस्तर पर, इस चीज़ को नोट रखना दोस्त। और जिस दिन ये चीज़ आपने सीख लिया, सच में आप वो चीज़ पाओगे जो चीज़ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो दोस्त, कमेंट करके बताना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।